हे गाइस, वेलकम टू नॉन टेक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमें अगर याद है, बाई हार्ट है, तो इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ वैल्यूज़ का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन, किसकी स्टार्ट करेंगे हम, टेन फिफ्टीन का। टेन फिफ्टीन, टेन फिफ्टीन, तो ये जो वैल्यू होता है टेन फिफ्टीन, ये होता है रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। ठीक है, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। तो अगर हम इसे डायग्राम में देखें तो अगर ये कितना हो फिफ्टीन डिग्री, तो ये होगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। तो अगर टेन फिफ्टीन की जगह में हमसे पूछे टेन कितना, सेवेंटी फाइव, तो क्या होगा, सेवेंटी फाइव ये हो गया। तो अगर हम लिखें इसकी टेन सेवेंटी फाइव, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा इसके लिए बेस। तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, टेन फिफ्टीन का याद रखेंगे तो टेन सेवेंटी फाइव ऑटोमेटिक उसका रिवर्स हो जाएगा, कितना, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। ठीक है, और ये जो हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, इनका परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का अंडर रूट अगर करेंगे तो ये समथिंग आएगा टू रूट टू। ठीक है, टू रूट टू, तो ये डायग्राम हमें याद होना चाहिए। इसके पहले हमें ये टेन फिफ्टीन का वैल्यू याद होगा, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, तो ये सारे वैल्यू हमें याद हो जाएंगे। एक तो हो गया हमारा टेन फिफ्टीन और टेन सेवनटीन का। दूसरा अगर देखें कितना, एक मिनट, टेन थर्टी सेवन, टेन थर्टी सेवन और इसको नाइन्टी से अगर माइनस करें तो कितना होगा, टेन फिफ्टी थ्री। दो वैल्यू देखते हैं, टेन थर्टी सेवन और टेन फिफ्टी थ्री का। तो अगर टेन फिफ्टी थर्टी सेवन की वैल्यू निकालें तो ये होगा थ्री बाई फोर, और फिफ्टी थ्री की वैल्यू निकालें तो ये होगा फोर बाई थ्री। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 37 और 53 आपस में कैसा होगा, रिवर्स होगा, और जो छोटा वैल्यू है उसके लिए छोटी वैल्यू, जो बड़ा एंगल है उसके लिए बड़ी वैल्यू होगी। 3 बाई फोर छोटी वैल्यू हो गई और 4 बाई थ्री बड़ी, तो ये 4 बाई थ्री 53 के लिए हो गया और 3 बाई फोर किसके लिए हो गया, 37। तो इसका डायग्राम जो बनेगा समथिंग लाइक, अगर ये वैल्यू 37 है तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये 90 डिग्री। सो हमें क्या याद रखना है, टेन थर्टी सेवन तो थ्री बाई फोर, फिफ्टी थ्री उसका उल्टा फोर बाई थ्री, जो बड़ी वैल्यू डिग्री है उसके लिए बड़ी वैल्यू और जो छोटी डिग्री है उसके लिए छोटी वैल्यू। अब अगला देखते हैं हम किसका, साइन, साइन एट्टीन और कॉस थर्टी सिक्स। ठीक है, साइन एट्टीन और कॉस थर्टी सिक्स, तो साइन एट्टीन जो होगा वो होगा रूट रूट थ्री माइनस वन, जस्ट अ मिनट, इट विल इक्वल रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, कितना होगा, रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, तो ये होगा साइन एट्टीन का। और अगर कॉस थर्टी सिक्स की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा रूट फाइव प्लस वन बाई फोर, यहाँ पे ये साइन का चेंज आ जाएगा, तो साइन एट्टीन जो होगा रूट फाइव माइनस वन बाई फोर होगा, और कॉस थर्टी सिक्स का जो होगा वो होगा रूट फाइव प्लस वन बाई फोर। तो ये दो वैल्यू इसको याद रखना है आपको, साइन एट्टीन कॉस थर्टी सिक्स। ठीक है, साइन एट्टीन कॉस थर्टी सिक्स, तो हमने ये तीन वैल्यू, तीन का पेयर देखा, साइन एट्टीन, टेन थर्टी सेवन और फिफ्टीन। ठीक है, और एक जो एक वन रेडियन की वैल्यू है उसकी, उसका जो मान है वो देख लेते हैं। तो जो वन रेडियन होता है दैट विल इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकंड, 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इसको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। तो टेन फिफ्टीन जब याद रखना है तो रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, तो जो उसका उल्टा वाला होगा
75 का वो कितना हो जाएगा, √3 + 1/√3 - 1, मतलब जो छोटा वाला है उसकी वैल्यू छोटी, जो बड़ा वाला है उसकी वैल्यू बड़ी। उसके बाद बात करें 37 का, तो 37 में 3, 4, 5 याद रखेंगे, तो 37 छोटा है तो 3/4, और 53 बड़ा है तो tan 53 कितना हो जाएगा, 4/3। उसके बाद हमने साइन 18 और साइन कॉस 36 की बात करें, साइन 18 में क्या होगा, छोटी वैल्यू होगी मतलब √5 - 1/4, और कॉस 36 कितना होगा, √5 + 1/4, और दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, 37 डिग्री 16 मिनट एंड 45 सेकेंड। सो दिस वॉज सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, इसको आप याद कर लें, एंड पेपर में ज़रूर से ज़रूर इसका यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं उसको सिंप्लीफाई करने में इसका यूज होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, एंड आई होप आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।